गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। तो ये ही है वो वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स साथ साथ लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोग पेंसिल और पेन साथ लेके बैठे हो, नहीं लेके बैठे हो तो ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, बाद में बार बार देख सकते हो, लिख जरूर लेना अपने पास कहीं पे। टिप वन, स्पेशल टिप, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बच्चे कोशिश क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रटने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, ऐसे काम नहीं होगा। जो रटना है वो बताऊंगा, लेकिन पूरी लैंग्वेज आप रट लोगे इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इससे बढ़िया क्या है, आप कीवर्ड्स पकड़ो। क्या पकड़ो? कीवर्ड्स। ये मेरी टिप टू है। टिप वन, पूरी लैंग्वेज नहीं रटनी। टिप टू, कीवर्ड्स याद करने। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। चैप्टर वन का टॉपिक वन, वॉट इज बिजनेस। चार बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, वॉट इज बिजनेस। बच्चे क्या करते, रटने की कोशिश कर रहे हैं। रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ो। कीवर्ड्स, बिजनेस मींस स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, क्या? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी हो गया। इट मींस वन्स रेगुलर ऑक्यूपेशन। अभी इट मींस की जरूरत नहीं है, वन्स रेगुलर ऑक्यूपेशन। दो बातें हमने पढ़ भी ली, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, वन्स रेगुलर ऑक्यूपेशन। अगले पॉइंट, इट इंक्लूड्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस। फॉर्म्स इंडिविजुअल, HUF कंपनी एटसेट्रा। फंक्शन HR, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, फाइनेंस एटसेट्रा। अभी HR, मार्केटिंग एटसेट्रा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शंस। फॉर्म्स में इंडिविजुअल HUF रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म्स। आखिरी में प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं बोल रहा हूँ सर, आपको पूरी लैंग्वेज नहीं रटनी, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। जैसे मैंने बिजनेस बताया, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, वन्स रेगुलर ऑक्यूपेशन, फॉर्म, फंक्शन, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स आपको याद आएगा गुड्स एंड सर्विस, फॉर्म से आपको याद आ जाएगा इंडिविजुअल HUF, फंक्शन से आपको याद आ जाएगा HR एटसेट्रा। दो टिप्स, ए, रटने की कोशिश ना करो पूरी लैंग्वेज। बी, कीवर्ड्स जरूर 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 रटने हैं। टिप नंबर थ्री, एक गलती मैंने देखी है बच्चे करते हैं, आप क्या करते हो, क्वांटिफाई कर देते हो अपने आंसर को। कई टीचर्स ऐसा बताते हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखो। कभी भी नहीं। पॉइंट्स में आंसर तभी लिखने हैं जब वो आपसे कोई प्रोसेस पूछ रहे हैं, आपसे किसी चीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। लेकिन जब कोई डेफिनेशन पूछ रहे हैं, किसी चीज का मीनिंग पूछ रहे हैं, कोई मॉडल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, आप पॉइंट में शुरू हो गए, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पता चल जाएगा रट के आए हो, गड़बड़ कर रहे हो। पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर लिखो सर, पैराग्राफ फॉर्मेट में। पॉइंट तब तक नहीं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यह है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तब आपको कभी भी पॉइंट्स यूज नहीं करने हैं। इज इट क्लियर? थर्ड टिप, प्लीज डू नॉट राइट इन पॉइंट्स, राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। पॉइंट्स तभी यूज करने हैं जब आंसर की रिक्वायरमेंट ये है। टोटल टिप हुई कितनी? तीन। पहला, याद रखने के साथ साथ सबसे पहले रटना नहीं है, कीवर्ड्स को रटना है, पूरी लैंग्वेज को नहीं रटना, कीवर्ड्स को रटना है। तीसरा, बुलेट में आंसर नहीं लिखने, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने, पैराग्राफ फॉर्मेट में चलो। हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिक है, कुछ पॉइंट्स रिलेटेड चीजें मांगता है, तब हम पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। सो द टिप फोर इज, प्लीज चार्ट्स बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो? चार्ट्स। जितने ज्यादा आप चार्ट्स बनाओगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं अच्छे नंबर पाने के। हर क्वेश्चन आंसर, हर आंसर के साथ एक चार्ट बनाना सीखो छोटा सा। जैसे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्ट्रेटेजी प्लस मैनेजमेंट। हो गया सर, एक छोटा सा चार्ट बन गया, आपका पेपर थोड़ा अच्छा लगने लग गया। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन के अंदर चार्ट बना सकते हो। कोई भी, आप कोई भी चीज पूछो, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर फाइव का आखिरी क्वेश्चन आ गया, आखिरी टॉपिक में से, HRM के ऊपर, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, आप वो कैसे करोगे? उसके अंदर सात पॉइंट्स हैं, आपने सात पॉइंट्स का चार्ट बना दिया छोटा छोटा सा, बाद में उनको एक्सप्लेन कर दिया। चार्ट बना के एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये थी टिप नंबर चार, चार्ट्स बनाना मेरे यार। टिप नंबर फाइव, अब एक इंपॉर्टेंट टिप, भूमिका बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो? भूमिका बनाना सीखो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, शुरू हो गए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स इंपॉर्टेंस, या फिर फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस, वन टू थ्री फोर फाइव, गलत। क्वेश्चन आया जी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
पहले ये बताओगे व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, शुरू की 3-4 लाइन इसको डेडिकेट करो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस बताओगे। इंपॉर्टेंस बताओगे और जैसे मैंने पहले बोला था, इंपॉर्टेंस वाली चीज आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पॉइंट्स में नहीं लिखोगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, फिर एक चार्ट बना दिया। हर क्वेश्चन आप ऐसे करोगे तो आपको नंबर मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। ये थी हमारी टिप नंबर 5, यूज चार्ट्स। अब आ जाते हैं सर थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के ऊपर कि आप किस बुक को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एक बात सबसे पहले प्रैक्टिस मैनुअल उठा लो सर जी, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस करके जाने हैं। सर अब तो टाइम नहीं बचा, अरे बोध ग्रुप वाले जिनके पास, जिनके बोध ग्रुप है उनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारा तो एक है जिनका एक ग्रुप है उसके पास अभी बतेरा टाइम पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ, एक एक क्वेश्चन पढ़ लो, दैट्स इट, और कहीं से नहीं पढ़ना। स्टडी मैट आईसीआई का, प्रैक्टिस मैनुअल आईसीआई का, स्टडी मैट को अभी तो नहीं पढ़ सकते तो एक गया बाहर, बच गया प्रैक्टिस मैनुअल। एक और रिक्वेस्ट, इसे आप टिप 7 भी मांग सकते हैं, प्लीज आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, लेटेस्ट आरटीपी आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए। लेटेस्ट आरटीपी में से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड लेट मी टेल यू आईसीएआई अपने स्टडी मटेरियल और आरटीपी और प्रैक्टिस मैनुअल से काफी क्वेश्चन देता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। ये है मेरी एक आखिरी टिप आपके लिए कि प्लीज आरटीपी और अपने प्रैक्टिस मैनुअल को अच्छे से कवर करके जाएं। ये थी कुछ टिप्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लियर करने के लिए, आई होप दिमाग में गई, और जब गई तो फिर एक काम करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमें सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे भी आपको सारी वीडियोस ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, भारत माता की जय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे जल्दी से पास हो जाओ।